हेलो राधे राधे जी। हाँ राधे राधे पाठी जी एंड सर नमस्ते। जी, बताइए डेट ऑफ बर्थ और टाइम। 21 अक्टूबर 1995। 21 अक्टूबर 1995। टाइम बताइए। 7:36 AM 7:36 AM। जन्म स्थान बोलिए। अहमदाबाद। अहमदाबाद। क्या क्वेश्चन मेरा है नाम आपका? सुनती। जी मुझे करियर के बारे में पूछना था कि मैंने अपना एक क्लॉथिंग बिजनेस अभी स्टार्ट किया है, ओके तो क्या क्लॉथिंग बिजनेस में मेरे लिए प्रॉफिटेबिलिटी है और उसके साथ ऑल्टरनेट ऑप्शन है तो कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग एज अ लॉयर। पहले मैं कर रही थी पर जो के जॉब सेट नहीं हो रहा लॉयर। था इसलिए लॉयर तो मैंने आप बेटा सोचा बन ही नहीं सकते कभी जीवन में। क्या लॉयर का प्रैक्टिस लॉयर करूं। तो ये पत्रिका ही नहीं है लॉयर बनने की। हाँ, आप अगर ये बोले आप में चुस्ती चालाकी है, बचपन से ही आप समझदार बच्ची हैं, आपको एडवाइजरी बिटिया राउंड रानी करूंगी। कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ी है पूरी जिंदगी, आपको माँ बाप को समझाना नहीं पड़ा बेटा ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, आप बचपन से ही समझदार हैं। समझदार। हाँ ऐसा तो इंसान बहुत समझदार होता है, लेकिन आपको लॉयर नहीं बनना है। दूसरा आपने प्रश्न किया कि क्या मैं कपड़े से संबंधित काम कर सकती हूँ, बेटा सॉरी, कपड़े से सब संबंधित भी आप काम नहीं कर सकती। तीसरा एक और बात बता दूं, शादी में भी दिक्कत आपकी परेशानी आएगी, अभी बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। ससुराल आपको बहुत मोटा मिलेगा, बहुत शानदार मिलेगा, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे साल बीतते जाएंगे आपकी शादी में भी दिक्कत परेशानी आ जाएगी। ठीक है बेटा, थोड़ा सा जी नहीं ध्यान सगाई रखिएगा। टूट चुकी एक बार वो हाँ, हो वही चुका वही 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 बेटा मेरी बात है। वही बात सुनो, है बेटा। मेरी माता रानी, और वो मेरी, परिवार वाले ऐसे नहीं है कि अच्छे मिलेंगे, फाइनेंशियली स्ट्रांग मिलेंगे। लेकिन आपकी हाँ पत्रिका में गड़बड़ है। और आप जी अगर जैसे समझ लॉयर का भी अगर जब आप काम करेंगी तो एक आपको परहेज बता देती हूँ जो फ्री का है। आपको आपको। एडवाइस जब देनी हाँ है ना तो पैसे लेकर देनी है मेरी बिटिया वकील से। रानी, संजीव जी कई बार हम सलाह करने के लिए जाते हैं तो वकील हमें सलाह दे देते हैं फ्री में। चाहे 10 रुपए ले हाँ लो, तो आप उनको आप एक लेकिन वकील संजीव बन नहीं पाएंगे। जी कोई सॉरी, बात नहीं, आप इसको एडवाइस तो देंगे ही ना। आप उसके बच्चे ने फोन किया आप सोशल मीडिया तो पे। हाँ, करियर में क्या कर सकती हूँ अपने काम अब देखिए, करके। आपने आपने देखिए इसमें आ रहा, शिक्षा में भी रुकावट आ जाए, दूसरा पेट भी यस आपका खराब रहे। देखिए हाँ ग्रह एक चीज देगा ना आपको, हाँ जी या तो हाँ आपकी शिक्षा। हाँ जी मैं बोलिए। काफी मेरा एजुकेशन लंबा खींचा था। बीकॉम के बाद 5 साल का BLLB किया, फिर LLM किया, फिर वो करने के बाद 1 साल जॉब करी एज अ लॉयर। पर कहीं ना कहीं मैं सबसे ज्यादा मेहनत करूं मेरा क्रेडिट कोई और लेके जा रहा है या मुझे उतना रिजल्ट नहीं आपने मिल रहा है। कहीं ना कहीं जिस वो दिन, चीजें हो रही सुनिए, थी। जिस दिन आपने अपनी पत्रिका का सूर्य शुक्र राहु को ठीक कर ठीक कर लिया। लिया, इस युति को आपने हाँ भंग कर वेदांत की लिया। मार ऐसा शुरू हो चुकी है हाँ, वो और मुझे ना मालूम सुनिए, है, इस आप युति को भंग एस्ट्रोलॉजर कर बन लिया। सकती हैं। आप एस्ट्रोलॉजी की अगर ज्ञान ले रही हैं, आप एस्ट्रोलॉजी में घुस जाइए, और कोई काम नहीं है नहीं आपके जीवन में इसके अलावा। जी मैं उसको टैरो बचा रही रीडर हूँ हैं। खुद से। हाँ अरे वाह भाई वाह। बिटिया रानी इसमें आगे प्रोसीड कीजिए, और कभी इन तुच्छ लोग जैसे साक्षी हमारा जी भी और टैरो हम कर देना किसी दिन। बिल्कुल हमारा टैरो कर देना। नहीं बिल्कुल वेरी बहुत वेरी ग्रेटफुल टू दैट। आई मतलब मैं आपके लिए अगर कुछ कर पाऊँ तो उससे बड़ी चीज मेरे लिए क्या चलो एक होगी। टैरो पर का कार्ड ही निकाल दो। नहीं मैं कपड़े का स्टार्ट कर चुकी हूँ तो करूँ कि नहीं करूँ समझ बेटा, नहीं आप आ रहा है। देखो आप ज्ञानी हो, उसके बाद देखिए अगर हमें कुछ भी करना है ना, तो पहले हमें एनर्जीज को, जैसे टैरो में एनर्जीज को संभालते हैं ना आप लोग, हाँ तो आपको सूर्य शुक्र राहु की एनर्जी को संभालना है। आप कर लीजिए, ना हो पाए, जिंदगी बीत जाए, तो हमारे पास 2-3 साल और खराब करके आ अब जाना, ऐसे किसी या हम आपकी जी 15 दिन में एनर्जी फिर चेक मैं कर दें। आपके पास स्टूडेंट बन के आ जाऊंगी। स्टूडेंट नहीं, पहले हमें आजमा तो लीजिए, पहले अपॉइंटमेंट लीजिए, अपने ग्रहों को ठीक कीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं आप सूर्य के लिए जल चढ़ाती हूँ, शुक्र के लिए मैं बीज मंत्र करती हूँ और राहु के लिए मैं दुर्गा अच्छा मंत्र देखिए, करती हूँ। आपने बिल्कुल सब कुछ कर लिया, आपने आपने सब कुछ कर लिया ना, सारी एस्ट्रोलॉजी लगा ली, टैरो कार्ड लगा लिया, सब कर लिया, नहीं हुआ ना, हाँ उसके बाद भी सगाई टूटी, काम नहीं चल रहा। सगाई तो टूटी, वो तो मैंने अपनी लव लाइफ और पर्सनल लाइफ को लेके कुछ चीजें मैंने लाइफ में एक्सेप्ट कर ली है तो देखो वो लव चीज का तो के मैं लिए बता दूं अगर कि सोल्यूशन निकलता है मैं बहुत खुश हूँ। वो सोल्यूशन ट्राई
अप्लाई करने के लिए, पर मेरा अभी फोकस थोड़ा काम पे है कि अगर एक चीज लाइफ में सही नहीं तो दूसरी ही सही पकड़ के चले वैसा। देखो, देखो मेरी तो, बात को आराम से समझो बेटा मेरी परेशानी। हाँ। आप इस बात को समझो, आप में भी ज्ञान है ना, जिन्हें नहीं पता यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम क्या होता है। ये साक्षी जी आती है, मैं तो आता ही नहीं था। जिसमें सुनिए, जिसमें ज्ञान होगा उसमें उसका बृहस्पति अच्छा होगा, उसका बुध अच्छा हो ही नहीं सकता। और जो चमक रहा है, हाँ, जो मीडिया में आ रहा है, उसका बुध अच्छा है, गुरु इतना अच्छा नहीं है। आपने मुझे कभी वीडियो रील में देखा है? लाइव के अलावा कहीं देखा है आपने मुझे? लाइव के अलावा नहीं, मैंने साक्षी जी के बहुत सारे वीडियो देखे। हाँ, मुझे नहीं देखा ना आपने? तो ये होता बुध, बुध, और ये होता है गुरु। गुरु होता है अड़ियल, कहता है मैं नहीं करूंगा ये चीजें, मेरे बस की नहीं है, मैं तो सच्चाई पे चलूंगा, मैं ईमानदारी का काम करूंगा। हाँ, मैं लाइव पे आऊंगा, वहां पे बात करूंगा। और सुनिए सुनिए सुनिए, हाँ अब सुनिए ध्यान से ग्रहों की कहानी। अब साक्षी जी, साक्षी जी का सप्तम बुध है, मेरा लगन में गुरु है, तो क्या होता है, साक्षी जी कहती है अरे भाई हम दिखेंगे नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा अच्छा और बुरा गुरु कौन है। और मैं क्या कहता हूँ, मैं नहीं आऊंगा ये टोटके टाटके, मैं नहीं बताऊंगा, मैं लोगों को बर्बाद नहीं करूंगा, मैं सच्चाई पे चलूंगा, मैं लाइव पे बात करूंगा, मैं पत्रिका पे बात करूंगा, मेरे से उल्टे सीधे काम नहीं होते। समझ रहे हो आप मेरी बात को? लेकिन आ किस वजह से रहा हूँ? साक्षी जी की वजह से। हाँ, वो मैंने जस्ट आपसे लाइव चल रहा था उस टाइम पे भी मैंने देखा, उसके पहले भी मैंने देखा, मैं आपसे पहले भी बहुत लाइव अटेंड की है। जो तो फोन आज मेरा आज भी वही हो रहा था कि आज तो बात हो ही जाएगी। चलिए, प्रभु की कृपा है, प्रभु ऐसा ही बनाए रखे, और कभी मौका मिले बेटा तो बात जरूर करना। एनर्जी मैं संभाल दूंगा आपके, सूर्य शुक्र राहु की। आपकी वेबसाइट पे ट्राई कर रही थी पर पता नहीं बुकिंग का कुछ वो फुल वो प्रेस नहीं हो रहा था, तो अच्छा, मैं डीएम कर दिया। मेरी माता रानी, इसी नंबर पे सुबह कॉल कीजिए और लीजिए अपॉइंटमेंट। जो जो लोग बुकिंग के लिए पूछ रहे हैं ना, अपॉइंटमेंट के लिए सुन लीजिएगा 8178474748, इसी नंबर पे आप लिख दीजिए आई वांट टू बुक एन अपॉइंटमेंट, आपको मैसेज सारे चले जाएंगे और अपॉइंटमेंट आपकी बुक हो जाएगी। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे भी एक बात बताऊं, मैं चाहे आप एस्ट्रोलॉजी से हैं, चाहे रेकी से हैं, चाहे टैरो से हैं, बड़ी सारी मोडालिटीज हैं। ठीक है, बहुत सारी मोडालिटीज हैं हमारी लाइफ में। कोई किसी तरीके से कोई ताड़ के पत्तों से उसको देखता है तो सबका अलग अलग अपना अपना तरीका होता है। लेकिन आप 28 से 33 साल में तरक्की करेंगी अगर आप ढंग से उपाय कर लेंगी तो आप जो है। तभी आज और आप आपकी और हमारी बात हो रही है क्योंकि लाल किताब में 28 से 33 साल मंगल का पीरियड होता है। हाँ। और मंगल और गुरु ही आपके दो ग्रह हैं जो आपको जो कुछ सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट टॉप के ग्रह हैं आपके मंगल और गुरु। और देखिए गुरु आपसे कितनी देर तक बात कर रहा है। देखिए आपको तो टीचर, आपको टीचर बनना चाहिए, आपको एस्ट्रोलॉजर बनना चाहिए, आपको प्रीचर बनना चाहिए। आप इस फील्ड में जाओ, इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर को दुनिया हिल जाएगी आपसे। दीदी इसको टैरो जो है ना सिखानी भी चाहिए, टैरो की क्लासेस भी देनी चाहिए आपको। अब देखिए इतनी सारी बातें हमने आपको देखो फ्री के सेशन में बता दी। बिल्कुल, अब बाकियों को भी बस 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 बस